सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सिवान रेलवे जंक्शन पर अप अवध असम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद किया गया है। आपको बताते चले कि ये अवध असम एक्सप्रेस के बोगी में था और जिसमें शौचालय के पास ये बैग रखा हुआ था, उसी में ये भारी मात्रा में अर्धनिर्मित जो हथियार है वो रखे गए थे। लेकिन अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि आखिरकार यह हथियार किसका था और किसे सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। लेकिन गुप्त सूचना मिली थी सिवान के जीआरपी पुलिस को और उसने त्वरित कार्रवाई करते हुए अवध असम एक्सप्रेस जो अप एक्सप्रेस थी उसमें छापेमारी की और शौचालय के पास से एक बैग बरामद हो गई और उस बैग से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित पिस्टल और उसके बैरल बरामद किए गए, जिसको लेकर इन सभी मुद्दों पर जब सिवान के जो रेलवे के डीएसपी हैं तनवीर जी, उनसे बातचीत की गई तो मोहम्मद तनवीर ने क्या कुछ बताया एटीएन लाइव चैनल के माध्यम से, आइए जरा उसे सुनते हैं। आज 10 जून 2019 को सिवान रेल थाना अंतर्गत सिवान रेलवे प्लेटफॉर्म पे गहन छानबीन के क्रम में 15909 अवध असम एक्सप्रेस में लवारिस हालत में एक बोरा प्राप्त हुआ, जिस बोरे में कुछ पैकेट प्राप्त हुए, उन पैकेटों की छानबीन की गई और जांच की गई तो उसमें अर्धनिर्मित कुछ अवैध हथियार के पार्ट्स बरामद हुए हैं, जिसमें 32 पीस बैरल और 32 पीस आधा निर्मित पिस्टल प्राप्त हुआ है। उसके वास्तविक धारक तक पहुंचने की कोशिश की गई बट नाकामयाब हुआ गया, ट्रेन काफ़ी कम समय वहाँ रुकी थी। उसके बाद उस पर कांड दर्ज किया गया है, आम से कांड दर्ज करके उसके वास्तविक धारक और उसको कहाँ से कहाँ तक ले जाया जा रहा था और उसके पीछे के चीज़ों को ज्ञात करने की कोशिश की जा रही है और फिर अग्रतर अनुसंधान में बाकी चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी।